से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के लगातार हमले से बौखलाए हिजबुल्ला ने अब इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इजराइल के अपर गलीली के रिहायशी इलाकों में लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने 40 रॉकेट लॉन्च किए, जिसमें से कुछ को एयर डिफेंस ने इंगेज किया, लेकिन बाकी रिहायशी इलाकों में गिर गए। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी नहीं है। इस बीच इसराइल की सेना ने कहा है कि वो हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर रिजर्व सैनिकों को एक्टिव कर रही है। एयर स्ट्राइक के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड अटैक की तैयारी में है। IDF ने नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर से अपने सैनिकों को मनुवरिंग और एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जारी तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वो दूतावास के संपर्क में रहें। दुनिया के कई देशों ने लेबनान को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। तो भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जंग के बीच ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। भारतीयों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। दुनिया के कई देशों ने लेबनान को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है।